मेडिकल कॉलेज रोड पर स्थित असुरन पोखरे पर हुए अतिक्रमण का तहसील प्रशासन ने चिन्हांकन कर लिया है। पोखरे पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने पोखरे के क्षेत्रफल को खाली कराने के लिए टीम गठित कर दी है और कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किया है। शहर के बीच में स्थित असुरन पोखरे का मूल क्षेत्रफल करीब 9.5 एकड़ का रहा है, पर धीरे धीरे इसका दायरा घटता गया और जमीन की खरीद बिक्री होती रही। जमीन खरीदने के बाद कई लोगों ने निर्माण भी करा लिया है। यहाँ पर 100 से अधिक आवासीय एवं वाणिज्यिक भवन बनाकर इसका अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसके संबंध में एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार हसनपुरा एक जलाशय के रूप में दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले यह शहर का बेहतरीन पोखरा था, इस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया तथा अवैध रूप से निर्माण कर जमीन को कब्जा कर लिया है, तथा उन्हें बताया कि पोखरे के जो मालिक थे उन्होंने 10 एकड़ जमीन को प्लॉटिंग करके बेच दिया। एसडीएम सदर ने बताया कि 24 अप्रैल 2010 में निवर्तमान कमिश्नर पी के मोहंती ने अधिकारियों के द्वारा दिए गए रिपोर्ट पर अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया था और उसको खाली करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन उस दौरान जमीन के मालिक ऋषभ जैन पुत्र जितेंद्र कुमार जैन ने लिखित रूप से यह आश्वासन दिया था कि जितनी जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है उतनी जमीन व प्रशासन को कहीं और देंगे। एसडीएम सदर ने बताया कि 11 सालों के बाद भी जमीन के मालिकों ने प्रशासन को न जमीन दी न आगे की कोई बात की। अलबत्ता 2010 में हुए अतिक्रमण 3 एकड़ का दायरा बढ़ाकर 7 एकड़ के करीब पहुंचा दिया। एसडीएम सदर ने बताया कि असुरन पोखरे पर जितने लोगों ने अतिक्रमण किया उन सभी लोगों को प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया कि जमीन मालिक को 29 जनवरी तक का मोहलत दिया गया है, अगर वह जमीन प्रशासन को नहीं लौटाते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम सदर ने कहा कि महानगर को जल भराव से मुक्ति दिलाने के लिए सुमेर सागर पोखरे की तर्ज पर असुरन पोखरे का भी सुंदरीकरण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, असुरन पोखरे में जैसा कि जो राजस्व हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसमें असुरन पोखरा एक पोखरे जलाशय के रूप में दर्ज है, और हम जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय और एनजीटी के दिशा निर्देशों के अनुरूप जो समय समय प्राप्त होते रहते हैं, किसी भी वाटर बॉडीज को अगर कोई परिवर्तित करता है तो उसको रिस्टोर करने का कार्य प्रशासन का है। इसमें कई सारे लैंडमार्क जजमेंट हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के और डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स के। तो इसके असुरन पोखरा भी एक उस शहर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोखरा था और गोरखपुर शहर के बीचों बीच में असुरन पोखरा है। अब हम देखते हैं कि उस पर बहुत सारे अवैध अतिक्रमण हो चुका है और अवैध रूप से निर्माण करके उसकी पूरी नवयत को परिवर्तित कर दिया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा इस संज्ञान में लाया गया और रिपोर्ट दी गई कि इस तरीके से इस पर अवैध अतिक्रमण का कार्य निरंतर चल रहा है। हमने एक टीम बनाकर उसकी जांच कराई गई, सीमांकन कराया गया, पता चला कि 10 एकड़ के आसपास लगभग ये जो असुरन पोखरा था इस पर जमींदार ने, जो इसके जमींदार थे, मलकियत थे उनका, उन्होंने पूरा प्लॉट बनाकर इसको व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रयोजन में बेच दिया और पूरी नवयत इसकी परिवर्तित कर दी। इसमें एक तत्कालीन कमिश्नर महोदय थे पीके मोहंती सर, 24 अप्रैल 2010 के उनके एक आदेश में, जो कि जिलाधिकारी सर को उपाध्यक्ष जीडीए और नगर आयुक्त नगर निगम को था, उसमें उन्होंने इसका पूरा जिक्र किया है, जिसमें अपर जिलाधिकारी नगर के द्वारा एक जांच आख्या आई थी और जिसके आधार पर वो पूरे चिन्हांकित किए गए थे सारे अवैध अतिक्रमण, और जो ऋषभ जैन पुत्र श्री जो उनके जमींदार थे जितेंद्र कुमार जैन, ऋषभ जैन पुत्र श्री जितेंद्र कुमार जैन, उनके द्वारा एक हलफनामा भी लगाया कि जितनी ज़मीन अगर संभव नहीं है, अगर निर्माण अगर काफ़ी टाइम पुराने हो चुके हैं, तो उतनी बराबर की ज़मीन उनको कहीं और देनी थी और उसी स्वरूप में देनी थी। उन्होंने इस बात का शपथ पत्र भी लगाया था कि वो दे देंगे, लेकिन 2010 के बाद 2021 आ चुका है, 11 साल में ना तो इस पर कोई कार्यवाही की, और बल्कि इस पर अवैध अतिक्रमण जो पहले 3 एकड़ के आसपास 2010 में कब्जा था, आज वो 7 एकड़ 8 एकड़ के आसपास हो चुका है। हम तहसील प्रशासन जब इसके उसमें आया तो हमने उन लोगों को नोटिस दिए हैं, सबको बुलाया है, कई लोग आए भी और दिए भी, तो इसमें जिनकी भी संलिप्तता है उन पर आवश्यक कार्रवाई के लिए भी तत्कालीन कमिश्नर सर ने जीडीओ को भी लिखा था कि आपने कैसे जलाशय में नक्शे पास कर दिए और कैसे आपके जो अधिकारी हैं उन्होंने उन पर भी कार्रवाई करने के लिए तत्कालीन कमिश्नर सर ने लिखा था, नगर आयुक्त को भी लिखा था कि कैसे नगर निगम ने वहाँ पर कार्य करा दिया, तत्कालीन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, और साथ के साथ ऋषभ जैन पुत्र श्री जितेंद्र कुमार जैन हैं उनको भी बताया गया था कि आपको उसके एवज में जमीन देनी है, लेकिन अभी तक ना तो जमीन दी गई बल्कि उल्टा अतिक्रमण पर अतिक्रमण होते गए।
तो हमने उनको बुलाया है, उनको 29 जनवरी तक का हमने टाइम दिया है। आज हमने कमिश्नर सर को भी लेटर लिखा है जिसमें उस पिछले कमिश्नर सर के लेटर का हवाला दिया है और बताया गया कि अगर 29 जनवरी तक अगर वो हटाते नहीं हैं और या फिर उसके एवज में जो तत्कालीन कमिश्नर सर के द्वारा दिया गया आदेश था और जिनका हलफनामा था वो नहीं करते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। और हमारा उद्देश्य केवल यही है कि जो वाटर बॉडीज जिसपे लोगों ने अपने कूटरचित प्रयासों से और वाणिज्यिक और व्यावसायिक दोहन करके भोली वाली जनता को लूटा है और गोरखपुर शहर को तालाबों को पाट कर जल भराव की समस्या जो उत्पन्न की है, हम वापस से उन जल भराव की समस्या को दूर करते हुए वापस से उन वाटर बॉडीज को रिस्टोर करेंगे। तो तस्वरण पोखरा उसमें से एक है। सुमेर सागर हम जो 22 एकड़ का पोखरा था उसको पहले से ही हम उस पर हम कर चुके हैं, उसकी काफ़ी मूर्त रूप दे चुके हैं। इसी प्रकार से सुमेर सागर की तर्ज पर तस्वरण पोखरे का भी हम करेंगे अगर वो ज़मीन उपलब्ध हमें नहीं कराते हैं तो।